इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 12 के एक टॉपिक का डिस्कशन आपके सामने लेकर आए हैं, जिसका जो चैप्टर है एनसीईआरटी के पार्ट वन का फर्स्ट लेसन है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है? फर्स्ट ऑल ऑफ हमें ये जानना होगा व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिक इन विच वी हैव स्टडी अबाउट द रेस्ट चार्जेस, जहाँ पे हम रेस्ट चार्जेस का बारे में स्टडी करते हैं। मतलब कि जो चार्ज क्या होगा, एकदम स्टॉप होगा, एक पॉइंट चार्जेस होंगे, मतलब चार्ज का फ्लोटेशन नहीं होगा, चार्ज एक जगह से दूसरे जगह फ्लो नहीं कर रहा है, बहेगा नहीं, ऐसे जगहों पर हम लोग जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा चार्ज क्या होता है। तो आइए समझते हैं चार्ज के बारे में। तो चार्ज देखिए दो तरह के होते हैं, पहला कौन होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है निगेटिव चार्ज। तो चार्ज दरअसल हर एक मटेरियल, जितने भी दुनिया के एलिमेंट्स आपके पास हैं, वो सब के सब एटम से बने हुए हैं। वो सब के सब किससे बने हुए? एटम से बने हुए। हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। आप सभी लोग अच्छे से इसके बारे में जानते हैं। अब यही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं वो क्या है, चार्ज कैरी करते हैं और किसी के पास कोई चार्ज नहीं है। मतलब कि चार्ज क्या है, एक बेसिक अगर हम बात करें तो चार्ज क्या है, एक बेसिक प्रॉपर्टी है फॉर एवरी मटेरियल। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा या कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं होगा जिसके अंदर चार्ज मौजूद नहीं होगा। लेकिन अगर चार्ज मौजूद नहीं है तो इफ़ेक्टिव क्यों नहीं है? अगर मैं कहूं कि ये बोर्ड जो है, या मान लीजिए प्लास्टिक मैंने छुआ है, ये भी तो एलिमेंट से बना हुआ है, तो इस एलिमेंट के अंदर अगर चार्ज है तो क्यों नहीं ये बैटरी की तरह ट्रीट कर रहा है? माननी चाहिए बात। दरअसल क्या होता है कि हर एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, सेम अमाउंट में होते हैं, इक्वल अमाउंट में होते हैं, जिससे माइनस और प्लस चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसके कारण एटम जो होता है न्यूट्रल हो जाता है। एटम क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है, मतलब एटम के पास कोई भी चार्ज नहीं कैरी कर पाता है। अब अगर हम बात करें तो इस तरह से कोई भी बोला जाता है कि एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि इनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। तब बात आती है जब वो सभी लोग इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हैं तो चार्ज को हम डेवलप कैसे करते, चार्ज हमारे पास आता कैसे है? तो आप समझिए, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। तो एटम के अगर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या मिलता है? इसके अंदर हमको मिलता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। एक सेल नहीं होता, कई सारे सेल्स होते हैं, ये आप लोग बहुत जनरली चीज़ें जानते हो, क्लास 9th में आप लोगों ने जाना होगा। तो क्या अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि अगर प्लस चार्ज किसी में जनरेट होता है मतलब उसके अंदर से प्रोटॉन बाहर आ रहा होगा, अगर माइनस चार्ज जनरेट होता तो माइनस इलेक्ट्रॉन निकल? ऐसा कुछ नहीं। चाहे कोई भी एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज डिनोट करे, चाहे कोई भी एलिमेंट निगेटिव चार्ज डिनोट करे, उन सब में सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। हाउ, समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम ले लेते हैं दो एलिमेंट मान लेते हैं, ये हमारा दो एलिमेंट्स हैं। तो ये दो एलिमेंट्स हैं जिसको मैं प्लस साइन, मतलब प्रोटॉन हो गया, एक दो, मान लीजिए इसके पास दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन है और तीन प्रोटॉन है, इसका नाम है बी, इसका नाम ए है, सॉरी, दूसरा क्या है, इसके अंदर मान लीजिए चार्ज चार हैं और चार इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है। अब जो है
किसी भी थ्रू आउट, चाहे हम फ्रिक्शन का मेथड लगाएं, चाहे कंडक्शन का मेथड लगाएं, कोई भी एक मेथड यूज़ करें और उस मेथड के थ्रू हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया। क्योंकि आपको पता, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन ही एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जिसके कारण जो भी होता है केमिकल इक्वेशंस सारे बंद, केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो अगर ये अगले केस में क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठा और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ चुका है, तो देखिए दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन को न्यूट्रल कर रखे हुए हैं। उसी तरह यहाँ के चार जो हैं, चार इलेक्ट्रॉन चार पॉजिटिव आयन को न्यूट्रल करके रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ का एक पॉजिटिव आयन फ्री हो गया और यहाँ पे एक निगेटिव आयन फ्री हो गया। तो यहाँ पे जब पॉजिटिव का नंबर बढ़ गया तो आपके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और यहाँ पर निगेटिव पावर ज़्यादा हो गया इसलिए ये निगेटिव पावर हो गया। इसका मतलब, जैसे हम लोग समझते हैं कि सिर्फ निगेटिव इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन आता जा रहा है। आप लोग पढ़ाया भी जाता है स्कूल में, हम लोग भी पढ़ते हैं कि देखिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, डोनेट ही किया ना अपना, वो पॉजिटिव होता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो निगेटिव होता है। दरअसल क्या होता है कि नॉर्मली दोनों लोगों का, हर एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। जब इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है तो एक भी अगर इंक्रीज करेगा, जैसे आपके घर में जितने जेंट्स हैं उतने ही लेडीज़ हैं, अगर घर के बाहर से कोई दो लेडीज़ अगर आ गई तो क्या हो गया, लेडीज़ का नंबर बढ़ गया, तो आप किसकी ताकत बढ़ गई, लेडीज़ की ताकत बढ़ गई। अगर आपके अंदर लेडीज जेंट्स हैं, जेंट्स बढ़ गए तो जेंट्स की ताकत बढ़ जाएगी। तो जो आएगा, एक तरीका यह है, या आपके घर में लेडीज़ और जेंट्स का संख्या बराबर है, वहाँ से दो जेंट्स उठे निकल गए बाहर चले गए कहीं और, तो अभी भी आपके लेडीज़ की पावर बढ़ गई। तो वही चीज़ होता है, इनके अंदर मौजूद है, यहाँ से एक लोग कम हो जाते हैं और यहाँ से एक लोग बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से चार्ज का क्रिएशन होता है, कि मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरे जगह नहीं शिफ्ट किया जाएगा कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। अब चार्ज डेवलप कैसे होते हैं, अब बात आता है चार्ज दर, तो इससे क्या पता चला कि जो चार्ज है वो किसी भी एलिमेंट का, जो चार्ज है वो किसी भी एलिमेंट का एक क्या है, फिक्स नेचर है, जो कि नेचुरली नेचर उसको मिला हुआ है, जो उसके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण होता है। अब ये कैसे जाते हैं, तो इनके तीन मेथड हैं, फ्रिक्शन और कंडक्शन और इंडक्शन। इन तीन मेथड के थ्रू हम जो है चार्ज का डेवलपमेंट कर सकते हैं। कितने मेथड हैं, फ्रिक्शन है, कंडक्शन है और इंडक्शन है। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन का आपको सभी लोग जानते हैं कि अब ये एक प्लास्टिक है और एक ये प्लास्टिक है, इसको ऐसे ऐसे रब करेंगे तो रब करने के कारण क्या होगा कि इसके अंदर का हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन जंप करे और इसके अंदर आ जाए, तो जैसे ही इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो निगेटिव हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ क्या है, इसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपका जो भी ये फ्रिक्शन होना चाहिए वो दो अलग अलग एलिमेंट होने चाहिए। अब प्लास्टिक को प्लास्टिक के साथ करेंगे तो क्या होगा कि ना तो इसको इलेक्ट्रॉन ये दे पाएगा ना इसको इलेक्ट्रॉन ये दे पाएगा। क्यों, क्योंकि हर एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एक ताकत होती है। अब हम दो लोग पंजा लड़ा रहे हैं, एक इधर से एक इधर से, मेरी भी ताकत बराबर है, इसकी भी ताकत बराबर है, तो बताइए कौन हारेगा, कोई हारेगा, नहीं हारेगा, मतलब मैं भी लगा रहा हूँ, दोनों लोग की बराबर वैल्यू है, तो इधर से लगने वाला फोर्स और इधर से लगने वाला फोर्स क्या है, आपस में इक्वल हो गया। जब दोनों तरफ से फोर्सेस इक्वल हो गए तो फिर क्या होगा, इसका एक ही रिज़ल्ट मिलेगा, उस रिज़ल्ट का मतलब क्या होगा कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसी तरह कि अगर आपके पास दो एलिमेंट हैं और इसका भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग पावर इसका और इसका दोनों का सेम है, तो ना ये इसको इलेक्ट्रॉन दे पाएगा ना ये इसको इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब फ्रिक्शन मेथड के थ्रू आउट हम जब हम इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप क्या करें कि दो अलग अलग एलिमेंट को लें।
तो जैसा कि आपने देखा कि फ्रिक्शन के थ्रू आउट जो है हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, तो इस तरह के चार्जेस को, इस तरह से चार्ज को डेवलप करने के लिए हम लोग इंसुलेटर्स का यूज़ करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज किसके किसके पास आता है, जैसे आप पॉजिटिव चार्ज जैसे ग्लास को आप क्या करें, ग्लास रॉड को फर के साथ, अगर हम फर के साथ या ड्राई हेयर के साथ रगड़ें तो ये क्या होगा, पॉजिटिव जो है चार्ज हमको मिलेगा। इसी तरह निगेटिव चार्ज कैसे मिलेगा, सिल्क के क्लोथ से, सिल्क से क्या करें हम रबड़ को, रबड़ को अगर रगड़ें तो हमें क्या मिलता है, निगेटिव चार्ज मिलता है। ये हो गया कि फ्रिक्शन से चार्ज को कैसे डेवलप किया जाता है। तो फ्रिक्शन से चार्ज को डेवलप करने के लिए हम ज़्यादातर इंसुलेटर्स में यूज़ करते हैं। अब बात आता है कंडक्शन, कंडक्शन से चार्ज को डेवलप करने का सबसे सिंपल तरीका, इसके लिए क्या करते हैं, ये हमेशा आपका कंडक्टर में होगा, ये हमेशा किस में होगा, कंडक्टर में होगा। कैसे कंडक्टर में होगा कि मान लीजिए कंडक्टर आर गुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो मान लीजिए ये आपका एक एलिमेंट बी और एक एलिमेंट ए है। अब ए के पास क्या है, चार्ज डेवलप्ड है और बी के पास चार्ज डेवलप नहीं है, तो आप क्या करिए, सिर्फ और सिर्फ इसके पास इसको टच करा दीजिए। जैसे ही आप टच कराएंगे तो ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज इसको भी अपना चार्ज दे देगा। तो कहने का मतलब पहले सिर्फ ये ही पॉजिटिव था, धीरे धीरे ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसी मेथड के थ्रू जैसे आपके घरों में कहीं से एक वायर आया और उस वायर में आप दूसरा वायर जोड़कर एक नया तार बना देते कि नहीं बना देते, अगर ये प्रॉपर्टी कंडक्शन की नहीं होती, मतलब कि अगर करंट एक चार्ज को दूसरे जगह नहीं लेकर जाता तो क्या यह काम आपका हो पाता। तो ये सबसे सिंपल तरीका, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए आपको कोई दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट चाहिए, तभी जाकर चार्ज हो पाएगा, अदरवाइज यह चार्ज नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि आपके पास एक एडिशनल चार्ज होना चाहिए, तभी यह कंडक्शन काम करेगा। और यह सिर्फ और सिर्फ किसमें काम करता है, कंडक्शन एलिमेंट में, मतलब कंडक्शन जो होता है वो कंडक्टर में ही काम करता है। अब बात करते हैं इंडक्शन क्या होता है, यह एक टॉपिक है जिसको सबसे पहले जाना था मिस्टर फैराडे जी ने। यह होता क्या है, आप लोगों ने क्लास 10th में जनरेटर के बारे में पढ़ा होगा। होता क्या है कि अगर एक मैग्नेट हम ले लें और एक हम कॉइल ले लें, ऐसे जो सर्कुलर कॉइल होता है, कॉइल क्या होता है, इसको हम सोलेनॉइड कहते हैं, अभी आपको पढ़ना भी है। और अगर हम क्या करें, इसके और इसके बीच में एक रिलेटिव मोशन करें, समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए ये हमारा मैग्नेट है और ये हमारा कॉइल है, तो अगर हम इसके बीच में ऐसे मोशन करें चाहे इसको मोशन करें, तो मोशन करने के कारण क्या होता है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिसिटी आती है। होता क्या है कि बार बार मूवमेंट करने का इसके अंदर जो प्लस और माइनस हैं, जैसे प्लस और माइनस जो है एक दूसरे से, कभी इधर जैसे ही आएगा ये प्लस को इधर खींच लेता है, माइनस का डिस्टेंस बढ़ जाता है, फिर ये इधर जाता है, फिर ये इधर आता है। कहने का मतलब है क्या कि इसके द्वारा भी इसके ऊपर चार्ज डेवलप होते हैं और वह चार्ज जो है करेंट का रूप ले लेते हैं, इसी को हम लोग इंड्यूस करेंट कहते हैं। तो इन तीन विधियों के द्वारा, किसके द्वारा, फ्रिक्शन के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा और इंडक्शन के द्वारा, किसी भी जगह पर चार्ज को डेवलप किया जा सकता है। तो ये मेथड उतना जो है पावरफुल नहीं है, ये तो बस ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए है। ये और ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले हैं चार्ज के डेवलपमेंट में। तो ये तभी यूज़ हो पाएगा जब आपके पास कोई दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट होगा, उसी चार्ज ऑब्जेक्ट को आप अपने पास लेने वाले होंगे। लेकिन इंडक्शन में क्या होता है कि यह चार्ज का डेवलपमेंट करेगा ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल। तो इंडक्शन नाम की एक अलग से टॉपिक है। जब आप मैग्नेटिज्म को, जब इलेक्ट्रिसिटी में देखिए, दो मेन टॉपिक होते हैं, एक इलेक्ट्रिक होता है और एक मैग्नेटिक्स होता है। तो अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, फिर अभी हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तब जाको इस आपको इसका पूरा डिटेल पता चल पाएगा कि क्या होता है। तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं। तो ये आपका हो गया कि किस हिसाब से जो है चार्ज जो है हमारे ऊपर जो है एक्टिवेट होता है और चार्ज किस तरह से काम करता है। अब बात करते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि चार्ज क्या है, सेम है कि डिफरेंट।
तो देखिए जो चार्ज के नेचर क्या होते हैं, अब ये तो हो गया चार्ज के बारे में, अब हमको नेचर ऑफ चार्ज पता करना है। तो नेचर ऑफ चार्ज में क्या है, प्लस और प्लस अगर एक दूसरे के पास रहेंगे तो दोनों ही एक दूसरे को रिपल करेंगे, मतलब एक दूसरे को ढकेलेंगे। माइनस और माइनस भी होंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। और अगर प्लस हो या माइनस हो तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब इसमें कौन पावरफुली ये डिपेंड करता है, अगर प्लस पावरफुल होगा तो प्लस माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अगर माइनस पावरफुल होगा तो प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से अट्रैक्ट होगा, इसका मतलब एक कॉन्क्लूजन, सेम चार्जेस या लाइक चार्जेस रिपल टू ईच अदर एंड डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। क्या करते हैं, सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब ये चार्जेस एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक चीज़ पाई जाती है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नेचर्स को नहीं समझेंगे तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आखिर इनके अंदर रिपेल करने का है क्या। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारी जो चीज़ें हम लोग को पता चली है बाय द प्रैक्टिकल पता चली हैं, हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स इस पर किए हैं, इस प्रैक्टिकल के आधार पर ही आपको इसके बहुत सारे नेचर्स के बारे में पता चला है। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं आपको। तो ये तो पता चल गया कि हमारे पास चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज क्या होते हैं। अब हम कैसे पता चले करेंगे कि हमारे पास कौन सा चार्ज डेवलप है, तो इसके लिए करते क्या है कि एक छोटा सा बॉयल होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। इस बॉयल के अंदर हम एक सिल्वर फॉयल गोल्ड फॉयल रख देते हैं और इसका कंडक्शन कुछ ऐसा होता है, ये बहुत ही पतले होते हैं, एक आपका इधर से एक आपका इधर से, एक के ऊपर आप पहले से ही चार्ज दिए रहोगे, मान लीजिए आपने इसको प्लस चार्ज दे दिया। अब हम दूसरा रॉड ले जा रहे हैं जिससे हमें पता करना है कि इस रॉड के ऊपर कैसा चार्ज है, अगर इसके पास प्लस चार्ज होगा और प्लस चार्ज हमने पहले से दिया हुआ है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो मतलब ये फॉइल यहाँ से हटकर थोड़ा सा और दूर हो जाएगा, जिससे क्या पता चलेगा कि ये जो है पॉजिटिव चार्ज है, और अगर यहीं पर ये निगेटिव है तो क्या होगा, फॉइल्स एक दूसरे को अब अट्रैक्ट करें, जो फॉइल पहले ऐसा था अब वो फॉइल कुछ ऐसा हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको पता करना है बाय द नोइंग द चार्ज कि आपके पास जो डेवलप हुआ चार्ज है वो कौन सा चार्ज है, तब भी आपके पास एक नोन चार्ज होना चाहिए, तभी आप पता कर पाएंगे कि इसके पास कौन सा चार्ज डेवलप्ड है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने आपसे चार्ज के बारे में बात किया। अब हम चार्ज के कुछ नेचर के बारे में बात करते हैं कि चार्ज के नेचर्स क्या क्या है। तो अगर हम नेचर ऑफ चार्ज की बात करें तो चार्ज जो होते हैं क्वांटाइज होते हैं, मतलब कि चार्ज जो भी होंगे वो मल्टीपल ऑफ, जो भी चार्ज आपके होंगे वो मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर होंगे। जो भी चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज होंगे। मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज कहने का मतलब क्या है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन ही एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होकर चार्ज को डेवलप कर रहा है, ऐसा तो नहीं होगा कि ये पूरा इलेक्ट्रॉन है तो अगले केस में क्या करेगा, इतलो भाई मेरा तुम आधा ले लो, ऐसा नहीं हो सकता। ये जब भी शिफ्ट होगा तो कम्प्लीटली शिफ्ट होगा, ये पार्शियली शिफ्ट नहीं होगा। जब यह पार्शियली शिफ्ट नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी आपके चार्ज का डेवलपमेंट होगा वो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज के ही बराबर होगा। जैसे आप अगर अपने घर में जाएंगे और आपसे भाग जाएगा कि सबको एक एक सेव बांटना है, तो आप जब भी बांटेंगे एक होल नंबर का सेव बांटेंगे ना, ऐसा नहीं ना कि आप 2.5 सेव किसी को बांट पाएंगे, क्या 2.5 सेव किसी को बांट पाएंगे अगर सबको आपको एक ही सेव देना है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसी तरह जब एक इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरी जगह पर जा रहा है तो क्या होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन ही निकलकर उसके पास पहुंच रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन निकलकर उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है तो जब भी होगा उसका पूरा चार्ज होगा, और हर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास चार्ज होते हैं वो फिक्स होते हैं,
जिसकी वैल्यू कितनी होती 10^-19 कूलम होती है। कितनी होती है 1.6 × 10^-19 कूलम होती है। तो इसी को तो कहने का मतलब नंबर ऑफ चार्ज की जो क्वांटिटी होती है वो नंबर ऑफ चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज पर डिपेंडेंट करती है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइज प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्या है चार्ज के कुछ नेचर्स है, अगर आप लिखना चाहें तो मेरे पास नोट्स भी है जो मैं आपको लिखवाऊंगा। तो जैसे चार्ज के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है सुनिएगा। इफ एनी बी पॉजिटिव, अब चार्ज क्या होता है, इट विल बी पॉजिटिव और निगेटिव। फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस आर गिवेन इफ बाय द कूलम, मतलब कि कूलम ने एक लॉ दिया था। अगले वीडियो में हम लोग कूलम के लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि कूलम के लॉ के ने क्या दिया था। चार्ज आर एग्जिस्ट विदाउट मास, अब चार्ज जो है एग्जिस्ट कर सकता है बिना मास के, मास तो होता है लेकिन इतना कम होता है कि कुछ कहने जा। क्वांटाइज क्वांटिटी मतलब कि इनकी जो क्वांटिटी होती है वो फिक्स होती है। चार्ज इज नॉट इज रिलेटिव क्वांटम रिलेटिव कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो डिनोट चार्ज जो है वो कूलम्स के लॉ को फॉलो भी करता है। तो इस तरह से चार्ज के हमने नेचर को जाना। चार्ज के बहुत सारे नेचर्स आप बता सकते हैं, चार्ज की ये वैल्यू है, चार्ज की क्वांटाइज है। तो कहने का कुल श्रेय जो ये है, तो चार्ज है क्या, तो चार्ज जो है एक तरह का नेचुरल रिसोर्स है जो कि हर एलिमेंट के पास एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो देयर हैव बी टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, फर्स्ट निगेटिव एंड पॉजिटिव। निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर एंड निगेटिव निगेटिव चार्ज ऑल्सो रिपेल ईच अदर। कंक्लूजन इज दैट कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज होता है एक दूसरे को क्या करता है, मतलब कि जो सेम चार्जेस होते हैं या लाइक जो चार्जेस होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चार्जेस को डेवलप करने का तरीका क्या है, तो एनी हाउ टू मूव इलेक्ट्रॉन वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसके लिए तरीका क्या है, दो तरीका। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया था कि आपके घर में फीमेल और मेल का नंबर बराबर है, तो दो तरीके से आप नंबर बढ़ा सकते हैं, या तो बाहर से किसी को बुला लीजिए या अंदर से किसी को हटा दीजिए। तो ये दो तरीके हैं जिसके द्वारा हम लोग चार्ज को डेवलप कर सकते हैं। तो चार्ज को डेवलप करने के तीन तरीके थे, कंडक्शन थे फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। तो फ्रिक्शन मेथड को हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, किसमें यूज़ किया जाता है, तो उसमें हम इंसुलेटर्स में यूज़ करते हैं कि तो इंसुलेटर्स को आपस में रगड़कर हम उससे एक चार्ज को डेवलप कर सकते हैं। कंडक्शन में क्या करता है, सिंपली जो भी हमारे पास चार्ज ऑब्जेक्ट है उस चार्ज ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, किसी भी कंडक्टर से छुआएंगे टच कराएंगे तो वो कंडक्टिविटी के प्रॉपर्टी के कारण उस चार्ज को अपने पास गेन कर लेगा। फिर आपका क्या था इंडक्शन प्रॉपर्टी, तो इंडक्शन प्रॉपर्टी में क्या था, क्वाइल और मैग्नेट के आपस में रिलेटिव मोशन कराते हैं। इस रिलेटिव मोशन के कारण जो होता है उनके अंदर एक अलग से चार्ज कैरियर मतलब चार्ज इंडक्शन प्रॉपर्टी आ जाती है, और हर इंडक्शन प्रॉपर्टी कारण एक करंट का डेवलपमेंट होता है, और करंट का डेवलपमेंट तभी होगा जब उसके अंदर चार्ज का डेवलपमेंट होगा। तो यह तीन जो हैं हमारे पास रास्ते हैं जिसके थ्रू आउट हम कोई भी चार्ज को डेवलप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, और उसके कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सभी टॉपिक्स जो हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताई जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।